हेलो दोस्तों, संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि अभी अभी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2022 विषय भूगोल की बात करते हैं, तो आपका जो प्रैक्टिकल है वो स्टार्ट होने वाला है। समय 2 घंटा रहेगा। नोट सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक का है, यानी जो आपका भूगोल विषय का प्रैक्टिकल है उसका प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 3 अंक का रहेगा। तो अब बात करें, पहला दे रखा है आंकड़ों की प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं। प्राथमिक आंकड़ों का संग्रहण के 4 साधनों को समझाइए, यानी 1+2 का, यानी 3 नंबर का। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न आएगा आपके, इसमें माध्य ज्ञात करना है। तो सभी विद्यार्थी इन पेपरों को अच्छे से देख ले, यही पेपर है जो आपके प्रैक्टिकल में आएगा। फिर अगला प्रश्न है निम्न आंकड़ों का, वही इसमें क्या है गणना करनी है। तो ये भी अथवा का प्रश्न है, चाहे ऊपर वाला करो या चाहे नीचे वाला अथवा वाला करो। दूसरा दे रखा है आरेख बनाना है वृत्त का, तो ये भी अच्छा प्रश्न है। तो ये सभी विद्यार्थी जो भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये आपके प्रैक्टिकल में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न 4 नंबर, बहुत अच्छा प्रश्न है। कंप्यूटर के हार्डवेयर घटकों के नाम लिखते हुए प्रत्येक शिक्षक का वर्णन करना है, यानी वितरण बताना है उनको। निम्न में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी कीजिए। कंप्यूटर सहायक मानचित्र और वर्णमात्री मानचित्र, बहुलक का उपयोगिता, सूचकांकों का महत्व, प्रक्रिया। तो इसी प्रकार से आपको मैंने 5 प्रश्न बताए हैं, तो ये आपके इस बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो आप सभी विद्यार्थी इन्हीं प्रश्नों को अच्छी सी तैयारी कर ले, और ये इसी प्रकार से आपके जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसमें ये पेपर आने की संभावना है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करें और प्रत्येक विद्यार्थी तक ये पेपर जरूर पहुँचाए, ताकि वो कम समय में अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सके और प्रैक्टिकल में पूरे अंक हासिल कर सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।